जय हिंद दोस्तों। दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड एडमिट कार्ड 2021 के बारे में, जो कि आपका ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना, अब आपका एडमिट कार्ड आ चुका है। और आप इसको कैसे डाउनलोड कर पाओगे, इसका लाइव प्रोसेस मैं आपको दिखाने वाला हूँ। इसके अलावा जो आपके इंस्ट्रक्शंस आपको एग्जाम के दिन फॉलो करने हैं, वो भी जानकारी मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूँ। इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हो, ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ पर आपको दो न्यू अपडेट देखने को मिल पा रहे हैं। एक में है आपका यहाँ पर नोटिस, जहाँ पर आपको बोला है कि जिस कैंडिडेट को भी कोई भी प्रॉब्लम है एडमिट कार्ड के अंदर दी गई डिटेल्स को लेकर के, वो कैंडिडेट यहाँ पर इस नंबर पर जो कि यहाँ पर आपके सामने दिया है, या फिर इस ईमेल आईडी के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और जो भी उनकी प्रॉब्लम है वो यहाँ पर बता सकते हैं। और फिर यहाँ पर दोस्तों जो आपको क्लिक फॉर डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड ये लिंक देखने को मिल पा रहा है, साथ ही आप यहाँ पर राइट साइड में क्लिक हियर फॉर एडमिट कार्ड इसके ऊपर क्लिक कर लीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने लॉगिन का पेज आ जाएगा। अब यहां पर आपको अपनी यूजर आईडी एंटर करनी है और यहां पर पासवर्ड डालना है। यहां पर आपको वही यूजर आईडी और वही पासवर्ड डालना है जो कि आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद में मिला था। उसके बाद आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। और अभी बात करते हैं उन कैंडिडेट के बारे में जो कि अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड दोनों भूल चुके हैं, तो उसको कैसे और कहां से इसको रिकवर करना होगा। तो मैं आपको बता दूं कि आपको अपनी ईमेल आईडी ओपन करनी है और आपको ईमेल आईडी का पासवर्ड याद होना चाहिए जो कि आपने फॉर्म फिल करते समय यूज की थी। आपको वहां पर जाना है और उसमें सर्च कर लेना है DOFW। आपको सर्च करने पर आपकी ईमेल मिल जाएगी और आपको वही ईमेल मिलेगी जो कि आपने रजिस्ट्रेशन करने के बाद वहां पर दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड की तरफ से आपको सेंड की गई थी। उसमें आपको यूजर आईडी एंड पासवर्ड दोनों मिल जाएंगे, वो यहां से आपको डाल करके लॉगिन कर लेना है। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा अनअकैडमी के बारे में, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। और दोस्तों अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं एनडीए फोर्स ग्रुप एक्शन वाई नेवी की, तो आपके लिए अनअकैडमी एक बेहतर प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको प्रत्येक मंडे न्यू बैचेस मिलेगी। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि अगर आप अनअकैडमी का जो प्लान है वो लेने की सोच रहे हैं तो ले लीजिए, क्योंकि जल्द ही जो आपको 10% छूट मिलती है कोड का इस्तेमाल करके, वो छूट बंद होने वाली है। तो जितना भी जल्दी हो सके आप इसको परचेज कर लीजिए, इसके बाद आपको ये मौका नहीं मिलेगा। और परचेज करते वक्त आपको मेरे कोड GDS10 का इस्तेमाल कर लेना है। और इसमें दोस्तों प्लस सेशन में आपको जो फायदे मिलेंगे वो आप यहां पर जान लीजिए। इसमें यहां पर आपको हजारों लोगों से कंपीट करके चमकने का मौका मिलेगा, प्लस ऑप्शन एक्सेस मिलेगा, इंडियाज बेस्ट एजुकेटर यहां पर आपको दिए जाएंगे, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस होगी, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस होंगे, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस एंड पीडीएफ्स आपको अवेलेबल कराए जाएंगे। और यहां पर आपको सिर्फ अनअकैडमी के माध्यम से डेली फ्री लाइव टेस्ट मिलेंगे, 100+ फ्री स्पेशल क्लासेस मिलेगी। और जो आप अन्य फीचर देख पा रहे हो, इन सभी फीचर्स का फायदा आपको मिलने वाला है। और जो आपके बेस्ट एजुकेटर हैं उनके नाम आप यहां पर देख सकते हो, ये वो एजुकेटर है जिनके पास काफी सालों का एक्सपीरियंस है। इसी के साथ दोस्तों यहां पर जो आपकी बैचेस होती है या आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अंदर होती है, तो आपको क्या करना है, जल्दी से आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है। यहां से आपको अपनी कैटेगरी एनडी एयरफोर्स चूज कर लेनी है, फिर यहां पर आपको अपना प्लान सिलेक्ट करके मेरे कोड GDS10 का इस्तेमाल करके आज इसको परचेज कर लेना है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि जल्द ही 10% की छूट बंद होने वाली है, तो जल्दी से जाइए और उसको ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए है। अब जैसे आप लॉग इन हो जाओगे तो आपके सामने एप्लीकेशन की जानकारी यहां पर देखने को मिलेगी और साथ ही है एडमिट कार्ड, तो आपको एडमिट कार्ड के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पर आप देख सकते हो कि फॉरेस्ट गार्ड की जानकारी यहां पर दी जा रही है और जो आपकी डेट है वो यहां पर दी गई है, साथ ही है एडमिट कार्ड का ऑप्शन। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो ऑटोमेटिकली एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा आपकी डिवाइस या फिर कंप्यूटर के अंदर। तो ये होने के बाद आपको इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपका यहां पर एडमिट कार्ड आ जाएगा, जहां पर आपको पूरी जानकारी डिटेल्ड में देखने को मिल पा रही है, जैसे कि आपका परीक्षा केंद्र क्या रहेगा, रिपोर्टिंग टाइम यहां पर सुबह 7 बजे है और जो गेट बंद होगा वो आपका 8 बजे हो जाएगा, और जो आपका एग्जाम सेंटर है उसकी पूरी लोकेशन डिटेल्ड में यानी कि एड्रेस पूरा दिया गया है। फिर यहां पर दोस्तों आपको नीचे आना है और यहां पर आपको जो आपका एग्जाम पैटर्न है वो भी एडमिट कार्ड के अंदर ही दिया है, यानी कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे और उसके लिए आपको कितने मार्क्स दिए जाएंगे और एग्जाम के लिए आपको कितना समय, बेसिकली यहां पर 2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। एग्जाम के अंदर कुल 200 क्वेश्चन होंगे जिसके लिए आपको 200 मार्क्स दिए जाएंगे। यहां पर आपकी निगेटिव मार्किंग भी होने वाली है जो कि आपकी 1/4 की रहेगी, यानी कि अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका 1 नंबर कट कर दिया जाएगा। तो ये जानकारी आपने यहां से देख ली है। इसके अलावा दोस्तों यहां पर वो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं जो कि आपको एग्जाम के दिन फॉलो करने हैं, ये आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज के अंदर दिए गए हैं। तो
आपको इनको अच्छे से रीड करना है। रीड करने के बाद इनके अकॉर्डिंग ही आपको वहाँ पर अपनी जो चीज़ें हैं वो कैरी करके जानी होगी। जैसे कि प्रतिबंधित वस्तुएं, यानी कि इनमें से आपके पास कोई भी चीज़ एग्ज़ाम के दिन वहाँ पर नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। इसके बाद कुछ और जानकारी यहाँ पर दी गई है, ये जानकारी भी आपको रीड करनी है। तो यहाँ पर आपने ये जानकारी जान ली है। एडिशनल इंस्ट्रक्शंस भी यहाँ पर आपको दिए कि इसके अलावा आपको कौन कौन सी चीज़ें फॉलो करनी है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बोला है कि कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग दियर अवन फेस मास्क, यानी कि खुद का आपका फेस मास्क होना चाहिए, हैंड ग्लव्स होने चाहिए, पर्सनल हैंड सैनिटाइजर होना चाहिए जो कि कम से कम 50 ml का हो, ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट ब्लू ब्लैक बॉल पॉइंट, यानी कि जो आपका ब्लू या फिर ब्लैक बॉल पॉइंट है ये आपका ट्रांसपेरेंट यानी कि जिसमें आर पार दिखाई हो दिखता हो वो ऐसा पेन हो, और यहाँ पर PET वाटर बॉटल यानी कि यहाँ पर आपकी वाटर बॉटल जो है वो भी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, और आपके पास जो एडमिट कार्ड है वो होना चाहिए, साथ एक फ़ोटो ID जो कि आपकी आधार कार्ड या फिर पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस वो हो सकता है, एक ID आपको इनमें कंटिन्यू करनी होगी। फोर्थ पॉइंट में आपको बोला कि कैंडिडेट मस्ट हैव आरोग्य सेतु ऐप, यानी कि आपके मोबाइल के अंदर आरोग्य सेतु ऐप भी होना चाहिए और वो आपका कंपलसरी है, इसलिए आपको उसको इंस्टॉल कर लेना है और ये जानकारी आपको अच्छे से फॉलो करनी है। तो यहां पर आपको जो एडिशनल इंस्ट्रक्शन है वो अच्छे से दिए गए हैं। फिर दोस्तों यहां पर आपको सेल्फ डिक्लेरेशन भी देखने को मिल पा रहा है, अभी आपको कैसे फिलअप करना है ये भी आप यहां से देख लीजिए। तो यहां पर दोस्तों आपको सबसे पहले जानकारी फर्स्ट पॉइंट के अंदर दी गई है कि आई हैव बीन टेस्टेड COVID-19 पॉजिटिव एजेंडर, अगर आप COVID-19 पॉजिटिव पाए गए हो तो आपको टेस्ट डेट लिखनी है। इसके अतिरिक्त जो आपकी टेस्ट डेट है वो टेस्ट डेट आपको सेकंड में लिखनी है, और जो उसका रिजल्ट था वो क्या था, पॉजिटिव या फिर निगेटिव, वो आपको यहां पर टिक करके बताना है। टू पॉइंट है, आई एम हैविंग द फॉलोइंग सिम्टम, अगर आपको इनमें से कोई सिम्टम है जैसे कि कफ, बुखार, कोल्ड, रनिंग नोइज, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, तो आपको उसके सामने टिक करना है, नहीं तो आपको उनको खाली छोड़ना होगा या फिर आपको उसके अंदर क्रॉस का निशान लगाना होगा। बेसिकली अगर आप खाली छोड़ोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। इसके बाद थर्ड पॉइंट है कि आई हैव नॉट बीन टेस्टेड पॉजिटिव फॉर COVID-19 नॉर हैव बीन आइडेंटिफाइड एज ए पोटेंशियल कैरियर फॉर कोरोना वायरस एंड डू नॉट हैव एनी ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम, यानी कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप निगेटिव हो, और तो आपको यहाँ पर जो ये आपके नीचे ऑप्शन दिए गए जैसे कि कफ, फीवर, कोल्ड, रनी नोज, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, तो आपको इनके ऊपर टिक करना होगा कि हाँ इनमें से मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, रोल नंबर यहाँ पर आपको देना होगा एडमिट कार्ड से ऊपर चेक करके, डेट ऑफ एग्जाम यहाँ पर आपको लिखनी है किस डेट में आपका एग्जाम है, एग्जाम सेंटर का नेम यहाँ पर आपको लिखना है, और यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर करने हैं। ये करने के बाद आपकी जानकारी अच्छे से फिलअप हो चुकी है, और ये आपको जिस दिन आपका एग्जाम है उस दिन लेकर के जाना होगा। फिर से मैं आपको क्लियर करता हूँ, आपको यहाँ पर टेस्ट डेट लिखनी है जिस डेट में आपने टेस्ट कराया है, इसके अतिरिक्त जो आपने टेस्ट कराया है वो टेस्ट डेट आपको सेकंड जगह पर लिखनी है, आपका रिजल्ट क्या था वो आपको यहाँ पर लिखना है, अगर आपको सिम्टम है तो आपको दूसरे ऑप्शन की जानकारी भरनी है जो कि यहाँ पर आपकी दी गई है, अगर आपको सिम्टम नहीं है तो आपको यहाँ पर तीसरे कॉलम की जानकारी भरनी है, जैसे कि आई हैव नॉट बीन टेस्टेड पॉजिटिव, यानी कि मैं पॉजिटिव नहीं पाएगा हूँ और ना ही मुझे इनमें से कोई भी सिम्टम है, तो आपको तीसरे कॉलम की जानकारी के सामने टिक करना है, और नीचे आपको जानकारी जो दी गई है आपको फिलअप कर देनी है। तो ये आपका जो कंप्लीट है एडमिट कार्ड का इंस्ट्रक्शंस वो हो चुका है। अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई सवाल है, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आपकी दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड एडमिट कार्ड 2021 के बारे में पूरी जानकारी। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, अगर आई है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।